हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा जो भी गद्दा राज में रहता था उसका हाथ पर बांधते थे अनाज की एम्प्टी सैक में, पैक करके नीचे फेंक देते थे। 1800 फीट डीप एरिया, 1800 फीट की खाई है, लेकिन एक पॉइंट इस फोर्ट के अंदर खाली बना के रखा हुआ, यूज़ कभी किया नहीं क्योंकि इस फोर्ट के अंदर कोई गद्दार निकला नहीं। लेकिन ये सजा अपने देश में अभी होती तो खाई पूरी भर जाती अपने देश में। भाई आपका नाम? उमेश। उमेश, ओके। प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर रहता है। ओके। यहाँ पे 25 फैमिलीज रहती है जो हमारे पूर्वज शिवाजी महाराज के सोल्जर में थे, उनकी जनरेशन चल रही है आज भी। अच्छा। और अब लोग ये प्रतापगढ़ फोर्ट देखने जा रहे हैं। हाँ। प्रतापगढ़ फोर्ट आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। अच्छा। शिवाजी महाराज की 13 जनरेशन, नाम है उदयेंद्र राजे भोसले, उस एरिया के MP है, उनके अंडर में ये फोर्ट। अच्छा। अगर आप लोग पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के फोर्ट देखेंगे तो टोटल 365 फोर्ट है और महाराष्ट्र 365 फोर्ट्स हैं, उसमें से 27 खुद शिवाजी महाराज ने बनाए हुए। अच्छा। और अदर फोर्ट पूरे मुगलों से कवर की, वॉर करके लड़ाई करके। अच्छा। जो फर्स्ट फोर्ट शिवाजी महाराज ने बनाया ये प्रतापगढ़ फोर्ट है, ये शिवाजी महाराज ने खुद बनाया हुआ। अच्छा। तो शिवाजी महाराज की उम्र थी 26 ईयर। अच्छा। जो वॉर करके जीता वो तोरना फोर्ट पुणे में। लास्ट टाइम पे यहाँ पे एक पहाड़ी थी जिसका नाम कहते हैं ढोरपे। ढोरपे आने के जो आजू बाजू की विलेज है, इस विलेज के गाय भैंस घास खाने के लिए थी इस पहाड़ पर। अच्छा। तो गाय भैंस को मराठी में मराठी लोग ढोर बोलते हैं, जिस पहाड़ी का नाम ढोरपे पहाड़ से जाना जाता है। शिवाजी महाराज की जो फैमिली गॉड है कुलदेवता, जिसका मेन मंदिर देखेंगे तो तुलजापुर में तुलजा भगवान। अच्छा। ये तुलजापुर हम लोग देखेंगे तो कर्नाटक के बॉर्डर में आता है, पूरा आदिलशाह का एरिया। उधर तक जाने के लिए शिवाजी महाराज को तकलीफ होती थी, लड़ाई होती थी, सोल्जर मारा जाता था। देवी माता ने दृष्टांत दिया कि जावली घाटी में जो ढोरपा नाम की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में मेरी स्थापना करो, यहाँ पे मेरा मंदिर बना। अच्छा। जावली घाटी ने घना जंगल, जैसे चंबल का एरिया डाकू के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में जावली एरिया फेमस है। फोर्ट के चारों जितना भी घना जंगल है इस एरिया को जावली बोलते हैं। अच्छा। शिवाजी महाराज के जमाने में इतना जंगल था कि सूरज की किरण जल्दी जमीन छू नहीं सकती, इतना पूरा घना जंगल। अच्छा। एरिया का एक राजा था, नाम था चंद्रराव मोरे, ये था मराठा, लेकिन वो आदिलशाह के अंडर में काम करता था, बीजापुर से बिलोंग करता था। शिवाजी महाराज ने मोरे को बहुत बार समझाया कि हम दोनों मराठा अगर इकट्ठा आएंगे तो मराठों की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन बात तो मोरे ने सुनी नहीं। 1655 में शिवाजी महाराज ने मोरे को मार दिया इस घने जंगल में। अच्छा। बाद में 1656 को ये फोर्ट बनाने के लिए स्टार्ट किया। अच्छा। और 1658 को कंप्लीट किया, दो साल में। ये 2 साल में जो फोर्ट की साइट वॉल देखे ना, बाउंड्री, टोटल 5 किलोमीटर की वॉल बनाई, 5 किलोमीटर की दीवार। और आर्किटेक्ट का नाम जाना जाता है मोरोपंत पिंगला एंड हिरोजी इंदुरकर, वो कहाँ का है? ये महाराष्ट्र लोग। अच्छा। तो प्रतापगढ़ फोर्ट शिवाजी ने बनाया तो बीजापुर की आदिलशाही घबरा गई कि आज शिवाजी ने इतना बड़ा एरिया जीता, एक दिन बीजापुर जीत सकता, तो जगह पे बेड़ा लगा कि जो कोई बंदा शिवाजी को जिंदा मुर्दा लाएगा उसका हाफ बीजापुर इनाम में दिया जाएगा। वे अपने जमाने में दूसरे को मारने के लिए सुपारी देते, उस टाइम पे बिड़ा था, ये बिड़ा उठाया अफजल खान ने। अफजल खान बोला कि शिवा शिवा पहाड़ी छुआ, मेरे ताकत के सामने शिवा पहाड़ का छुआ, उसको मैं जिंदा मुर्दा लाऊंगा।
अफजल खान जिसकी हाइट थी 7.5 फीट, जो खाने बैठा था एक बकरा खाता था, जंगली हाथी को अपने कर्नर से ताकत थी। अफजल खान की फैमिली, अफजल खान को 64 वाइफ एंड 43 बच्चे थे। अच्छा, तो 64 वाइफ मार के अफजल खान आया था इसी प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे। शिवाजी महाराज की हाइट थी 5.5 फीट, शिवाजी में इतनी थे। जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने गए तो पूरा कवच आर्मर पहने थे और साथ में शेर के नाखून टाइगर ने। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को देखा और गले लगाया, क्या हो राजे मिलना, हाइट कम थी। अफजल खान ने शिवाजी महाराज का सिर बगल में दबाया और ऊपर से खंजर का वार किया, लेकिन जो अर्मर पर गया था इसके शिवाजी महाराज बच गए। उनको लगा कि अफजल खान के साथ दोस्ती ने गद्दारी करता है, जिनके पास टाइगर नाकों थे शेर के पंजे, उसे अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अच्छा, अफजल खान दगा दगा करके चिल्लाया, जमीन पर गिरा। उसका बॉडीगार्ड था सैयद बंडा, इसने शिवाजी महाराज के ऊपर अटैक किया। तो शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था जीवा महल, उसने सैयद बंडा को मार दिया। अच्छा, एक कहावत गड़ी था, जीवा इसलिए बच गया शिवा, अगर जीवा नहीं होता तो शिवाजी मारे जाते। अच्छा, अफजल खान को मारा और शिवाजी महाराज को बड़ा विजय मिल गया, विक्ट्री। तो विक्ट्री को लोकल लोग प्रताप बोलते हैं, जिसको उसका नाम प्रताप बोल गया। अच्छा, ओके। एक केव आती है, इस केव के अंदर शिवाजी महाराज ने 40 कमांडर छुपा के थे, 40 लोग। 40 लोगों को 40 कमांडर शिवाजी महाराज छुपा के गए थे। छुपा के, या अगर समझो शिवाजी महाराज को दगा फटका करने के बाद अफजल खान ने फोर्ट कैप्चर करने के लिए आएगा, तब इन्होंने यहाँ पे लड़ाई करने की। अच्छा, ये तो 10 फीट अंदर है, लास्ट टाइम पे पूरा माउंटेन इस इलेक्ट्रिक पोल के पास था। अच्छा, 1957 में जो इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर पंडित नेहरू, शिवाजी महाराज का स्टैचू उसके ओपनिंग के लिए आया था। अच्छा, जस्ट गुफा तोड़ी, अपना मेन रोड छोड़ के आ गए 4 किलोमीटर का रोड, और ये सीढ़ी 1957 की है। तो यहाँ पे पहले पगडंडी थी, मिट्टी का रास्ता घोड़े आने जाने के लिए। अच्छा, चारों तरफ से देखेंगे तो फोर्ट का मेन एंट्रेंस का है पता नहीं चलता, आर्किटेक्ट का दिमाग है प्लानिंग थी। ये दो वॉल है, इस दो वॉल के सेंटर में मेन गेट है प्रतापगढ़ का। अच्छा, एक 1/2 किलोमीटर से देखते हैं तो दिखने में दोनों वॉल जॉइंट लगती है, एक ही लगती है। अच्छा, नजदीक हमको गैप नजर आता है। अच्छा, मतलब पता नहीं चलता मेन एंट्रेंस का है। करेक्ट। पूरी वॉल है, दूसरा चांस नहीं है। एक 1/2 किलोमीटर से देखते गेट पता नहीं चलता, दोनों वॉल जॉइंट लगती है। कोई भी दुश्मन डायरेक्ट गेट के जाता है, 1/2 किलोमीटर से फायरिंग करेगा। अच्छा, फायरिंग करने के लिए ये दो दीवार बीच में एक गेट है। हम लोग आ गए 91 स्टेप चढ़ के जो अभी बनाई है। अच्छा, स्टेप लास्ट टाइम थे शिवाजी महाराज के जमाने की, ये 3 स्टेप है, उसके बदले 1 स्टेप इतना बड़ा स्टेप था। अच्छा, दुश्मन लोग क्या करते थे, गेट तोड़ने के लिए हाथी को यूज करते थे। हम लोग मूवी में देखते कि हाथी भाग के आके गेट तोड़ सकता है। करेक्ट, हाथी को लाना है तो प्लेन जगह लगता है, हाथी का भी सीढ़ी चढ़ने से। करेक्ट, दुश्मन आते कुछ फायदा नहीं होता था। स्टार्टिंग से देखेंगे तो पूरा टर्निंग में गेट रखा हुआ है। 50 जन जंगल का बड़ा रॉड लेके गेट तोड़ने के लिए आते थे, सीधा के कोई भी गेट तो सकता है, टर्न के उसका पावर पूरा खत्म, इसलिए यू टर्न रखा। अच्छा, पहले रूल्स था, एक बार सूरज डूबने के बाद लड़ाई बंद होती थी, उस टाइम पे एक ही लड़ाई 6-6 महीना चलती थी। अच्छा, फोर्ट का मेन एंट्रेंस बंद किया, दुश्मन ने रात के समय अटैक किया तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। एक विंडो नजर आती है, व्हाइट स्क्वायर है तो सामने, वहां से तो उसका फायरिंग किया जाता था दुश्मन के ऊपर। अच्छा, के बीच में। अच्छा, हम लोग एंट्री करते थे, हमारा फेस था गेट के ऊपर और पीछे पीठ था, पीठ पर हमला करने का। अच्छा, गोरिल्ला वॉरफेयर को मराठी में गनी भी कहते थे, शक्ति कम और धीमा। अच्छा, उस अटैक से बचने के लिए लोग दीवार का सहारा लेंगे, दीवार पे जो छोटे छोटे विंडो है यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डालते दुश्मन के ऊपर। अच्छा, अंदर एक तोप है जिसका वेट है 650 kg, रेंज आएगी 2.5 किलोमीटर। स्टैंड आता है मशाल स्टैंड, मशाल है सागवान का वुड है, 400 साल पुराना गेट है, कोई चेंज नहीं है शिवाजी महाराज के जमाने का। अच्छा, और ये तो और ये
फ्लैग वाला पॉइंट है हमारे वॉच करने के, चेक पोस्ट सर्चिंग पॉइंट। अच्छा, जो तोप देखिए सामने वहाँ पे थी, दिखाने के लिए गेट में रखी हुई है। अच्छा, अफसर खान को मिलने के शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ फोटो उतरते समय देवी माँ का मंदिर है, देवी माँ के सामने प्रार्थना की थी कि माँ भवानी मुझे यश दे दो, मुझे कुछ मिले तो महाराज शिवाजी महाराज प्रतापगढ़। हाँ, हाँ, हाँ। बाद में उसके हेड कार्ड के सामने फ्लैग पॉइंट पे रखा था। अच्छा, देवी माँ को अर्पण किया था। अच्छा, बाद में उठा के राजगढ़ फोर्ट लगे जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ में शिवाजी महाराज की माँ जिजा माता रहती उनको दिखाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे दफन किया हुआ। हिस्ट्री में एक आदमी कबर दो अफसल का, प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे से राजगढ़। अच्छा, ये दो पत्थर के बीच में अभी हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम पे सीमेंट नहीं था, जो हम लोग खाने में गुड़ यूज करते जागरी। हाँ। लेड बोलते सीसा, चूना, रेती, उड़द की दाल, ये सब मिक्स करके फोर्ट बनाते थे। अच्छा, जो आज भी रिनोवेशन करते हैं प्रतापगढ़ को भी, उसमें ये ग्राइंडर है सामने वाला ब्लू कलर का, इसमें सब मिक्स करने के बाद यूज किया जाता है। अच्छा, अभी भी सेम वही प्रोसीजर, अभी वही प्रोसेस चल रही है इसको सीमेंट में। शिवाजी महाराज का कैपिटल फोर्ट रायगढ़, रायगढ़ यहाँ से 65 किलोमीटर। अच्छा, तो रायगढ़ से शिवाजी महाराज यहाँ पे आते थे मंथली में एक दो बार देवी माँ के दर्शन के। अच्छा, उदयपुर में राणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक नाम का फेमस। अच्छा, शिवाजी महाराज की घोड़ी थी कृष्णा नाम की, रायगढ़ से बैठते के यहाँ तक आते थे। जिस सेकंड गेट आता है कोने में, रॉयल पद राजमार्ग बोलता। अच्छा, पालकी में बैठ कर इस गेट से ऊपर जाते हैं, एक VIP राजमार्ग के लिए रास्ता, आम जनता के लिए रास्ता। अच्छा, कि राजा महाराज के बराबर कोई कर नहीं सकता, राजा के डेट के बाद गेट बंद किया इसका भी यूज होता। अच्छा, पूरा फोर्ट का वॉल है 5 किलोमीटर। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं, आज अपने बॉर्डर पर मिलिट्री लोग बदले के घूमते पहरा देने के लिए। हाँ हाँ, उस जमाने के सोल्जर लोग 50 kg की तोप खंधे पे लेके पूरे जगह पे घूमते। 50 kg का, तो 50 kg का जो छोटे छोटे विंडो दिए जहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डालेंगे दुश्मन के ऊपर। अच्छा, हॉट ऑयल, हॉट वाटर। सपोज फोर्ट का मेन एंट्रेंस बंद करने में दुश्मन ने एंट्री की, अपनी ताकत कम पड़ रही है, तो इस कोने में सीक्रेट टनल भागने के लिए। अच्छा, टनल का यूज करते थे अपने लोग, दुश्मन को लगा फोर्ट छोड़ के भागे, फोर्ट अपने हो गए, लेकिन पीछे से हमला करके फोर्ट कवर करके लेते थे। वो ये वहाँ पे निकलता है बैक साइड से। अच्छा, ये खाली इमरजेंसी में बना के रखा हुआ, यूज कभी किया नहीं, शरत आया नहीं यूज करने का। अच्छा, अफसर खान फोर्ट के नीचे मारते हैं, फोर्ट में कोई आया नहीं। अच्छा, सामने वाला और एक फोर्ट आता है जिसका नाम आता है मकरन फोर्ट, जो दो पहाड़ी वाला है। अच्छा, देखने के लिए ओरिजिनल पानी का तालाब और नेचर शंकर भगवान का मंदिर है। अच्छा, 14 किलोमीटर वॉक करके जाना है उस फोर्ट पे। 14 किलोमीटर जो ट्रेकर्स था ट्रेकिंग पे उस टॉप पर जाते हैं आज भी। ये रॉयल पाथ है जो शिवाजी महाराज जाते थे पालकी में बैठकर, एक VIP गेट है। अच्छा, ये उनके लिए था खाली, और ये आम पीपल के लिए रास्ता है। ओके, नॉर्मल पीपल के लिए। अभी वो रास्ता यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं यूज कर। अबाउट से लेवल प्रतापगढ़ की हाइट है 3500 फीट। अच्छा, एंड महाबलेश्वर है 4500 फीट। अच्छा, 1000 फीट का डिफरेंस है। अब लोग 1000 फीट नीचे आ गए प्रतापगढ़ घूमने के लिए। महाबलेश्वर बाई कार आ गया 22 किलोमीटर है, और ईयर एडिशनल देखेंगे तो 7 किलोमीटर का स्ट्रेट, स्ट्रेट लेवल 7 किलोमीटर। अच्छा, कॉर्नर फर्स्ट माउंटेन से घना जंगल लेवल है, बॉम्बे पॉइंट है सनसेट पॉइंट, शाम को सनसेट ऊर्जा कवर होता है, बीच में विल्सन पॉइंट आता है, ये आगे पहाड़ है, ऊपर गोल्ड पत्थर हाथी का फेस, एली पॉइंट है लॉडविक पॉइंट, सेकंड लास्ट एल्पिस्टन है, एंड लास्ट वाला महाबेश का फेमस पॉइंट और स्वीट पॉइंट। अच्छा, उसको सुसाइड नाम से जाना जाता है। हाँ, फॉरेस्ट का जंगल जिस एरिया को जावली बोलते हैं, सूरज की किरण जल्दी जमीन छू नहीं सकती, इतना पूरा घना जंगल, लेकिन 99% जंगल बहुत खत्म। ये विंडो दिए फायरिंग करने के, कुछ ऐसे विंडो दिए यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डालेंगे दुश्मन के ऊपर, या तोप का फायरिंग इकट्ठा कर। अच्छा अच्छा, ऐसा कभी इस फोर्ट के अंदर हुआ नहीं, क्योंकि इस फोर्ट किसने जीता नहीं है अभी तक। अभी तक जो आया अफसर खान उसको फोर्ट के नीचे मारते, इस फोर्ट में कोई आया नहीं। अच्छा, प्रतापगढ़ फोर्ट बनाने के लिए स्टार्ट किया, एंड फोर्ट के साइड वॉल को लगने वाला स्टोन है, माउंटेन्स काटने के लिए स्टार्ट किए। अच्छा, जहाँ पे पानी मिलेगा तालाब बनवा, पीने के लिए पानी या दीवा के लिए पत्थर। अच्छा, एक 10-15 फीट नीचे डीप है पानी के लेवल से, एंड ये नेचुरल वाटर है। अच्छा, जब इसको झरना स्प्रिंग वाटर है। हुँ. ये साइड वॉल वगैरह बाद में व्हील पानी खींचने में यूज होता है। अच्छा, फोर्ट के 4 कोने 4 लेक और 2 कुएं प्लस। अच्छा, इस फोर्ट के अंदर जो फैमिलीज रहती है 25 फैमिलीज रहती है इस फोर्ट के अंदर। अच्छा, जो हमारे पूर्व शिवाजी महाराज के सोल्जर में उनकी जनरेशन चल रही है। अच्छा, तो उनके लिए पानी के पाइपलाइन की सोई की हुई, एक 4 किलोमीटर अदर विलेज से।
अच्छा, पाइपलाइन का पानी पीने के लिए यूज होता है और के लिए यूज होता है। हम लोग भवानी माता के मंदिर आ गए, बीच में मंदिर माता का। अच्छा, शिवाजी महाराज के जमाने की 400 से अच्छा है। जैसे हम लोग ज्वाइन करते मेल फीमेल इंटरलॉक सिस्टम है, ज्वाइन किए। अच्छा, तो भी कहते ओल्ड इज गोल्ड। हां, भवानी मां के मानते हम लोग कंप्लीट की 275 करके आ गए हम लोग। 275 यहाँ से देखा रहता है जो वॉच टावर हिस्ट्री के बुक में फेमस है वो। हाँ, ये गाड़ी पार्किंग है, ये सामने अफजलखंड की टोम है, जो ब्राउन कलर का पत्थर है वहाँ पे टोम है अफजलखंड की। जो मीटिंग हुई थी शिवाजी में अफजलखंड उसी जगह पर। अच्छा, जहाँ पर मारा होता तो दफना दिया हुआ, लेकिन कुछ झगड़े की वजह से वो पूरा बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट का सील है उधर कोई जाता नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। अच्छा, शिवाजी महाराज के फैमिली गार्ड मराठा का रहते हैं, ये ओरिजिनल मंदिर है, बाकी सब रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, मंदिर में देवी माँ की मूर्त है, ये शालिग्राम स्टोन की मूर्त है। अच्छा, तो शालिग्राम को देखने मिलता है सोनार के पास। अच्छा, इसके ऊपर आप लोग सोनार घिसेंगे तो पता चलता असली है नदी। अच्छा, नेपाल में गंडकी नाम की नदी आती है, वहाँ से स्टोन मंगवाया। अच्छा, राजगढ़ में बनाई बंबा जी पांच सर इन्होंने, और 1661 में यहाँ स्थापना की। अच्छा, मूर्त तो आठ आते अष्टभुजा बोलते हैं। ये स्टोन देखने आपको सोनार के पास, जिसके ऊपर सोना घिसे तो पता है असली है नकली। अच्छा, स्टोन की। अच्छा, पैर के सामने छोटा सा शिवलिंग है, देखने में ग्लास कांच जैसा नजर आता है, स्पटिक क्रिस्टल बोलते हैं उसका। अच्छा, एंड 6 KG का शिवलिंग शिवाजी महाराज के साथ रहता है। अच्छा, एक सोल्ड है शिवाजी महाराज के कमांडर के नाम है कानोज जी हम्बेरा मूर्ति। एक बंदे ने अफजलखंड की जंग में 600 लोग मारे उसी तलवार से, इतने लोग मारे कुछ तो प्रूफ चाहिए। 100 लोग मारने के बाद एक स्टार दिया था तलवार के ऊपर, 600 का नाम तलवार। ये पुराने वेपन्स थे कि ये कैनन है, ये कैनन से उस लोग खंधे पे लेके पूरी वॉल पे घूमते थे पेरादन की। एक एक अवेट देखें तो 50+ है। अच्छा, उसमें जो अलग नजर आता है हॉकी स्टिक है। हाँ, रॉक कटर है, परे बोलते हैं पारी करने यूज करते। अच्छा, कटर है 80 kg, एक हाथ उठा कर कंटिन्यू 12 घंटा काम करते। अच्छा, दर्शन करके एक बार नहीं सोचेंगे। आता है कभी वो उनका? हाँ, साल में एक बार। साल में एक बार, साल में एक बार। क्या नाम बोला है उनका? उदेंद्र राजे भोसले। उदेंद्र, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, मुंबई में रहता है? नहीं, सतारा में। सतारा में, ओके। ऐसे हम लोग कोई भी फोर्ट में जाएंगे ना तो फोर्ट दो किस्म के रहता है, एक छोटा फोर्ट रहता है, एक बड़ा फोर्ट रहता है। अच्छा, अभी तक खड़े हम लोग बड़े फोर्ट में। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सेकंड फोर्ट में एंट्री करके उसको बाल खिलाने का स्मॉल फोर्ट कहते हैं। अच्छा, जो भी राजा महाराजा थे स्मॉल फोर्ट में रहते थे, प्रजा बड़े फोर्ट में रहते। अच्छा अच्छा, तो एक फोर्ट के अंदर या दूसरा छोटा फोर्ट? छोटा डबल रूम बोलते हैं उस टाइप का। अच्छा, समझो कभी दुश्मन ने बड़ा फोर्ट जीत लिया, ऊपर से अटैक करते थे अपने लोग। अच्छा, समझो ऊपर का फोर्ट भी कैप्चर किया, अपनी ताकत कम पड़ रही है, तो में सिक रहता है, वहाँ से बाहर जा सकता है। टनल का बाहर निकलेंगे, पीछे से हमला करके फोर्ट कवर करके लेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा कभी बना के रखा हुआ यूज कभी किया नहीं? यूज किया नहीं प्रतापगढ़ फोर्ट में, फोर्ट के अंदर कभी अटैक हुआ नहीं, हमला हुआ नहीं। अच्छा, जाए अफजलखंड उसको फोर्ट के नीचे मार दिया, इस फोर्ट में कोई आया नहीं। अच्छा, प्रतापगढ़ फोर्ट बनाया वो भी दिमाग से, तीनों तरफ देखेंगे तो 1800 फीट डीप एरिया है। अच्छा, फ्रंट साइड में देखेंगे तो फॉरेस्ट का जंगल। अच्छा, उसमें मेन एंट्रेंस एक ही है, यानी आज भी फोर्ट का मेन एंट्रेंस बंद किया। अच्छा, तो आ सकता है हवा और जा सकता है पानी, ऐसे फोर्ट है। अच्छा, जीता नहीं। तो स्मॉल फोर्ट में देखने के लिए आपको है शंकर भगवान का मंदिर। अच्छा, उसके सामने शिवाजी महाराज का मीटिंग चलता था कोर्ट। अच्छा, जैसे बोलते दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम रायगढ़ फोर्ट पे,
अच्छा जब एक खास बात करते हैं जिसे प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर करते हैं, इसको भी नया सोल्जर में लेना चाहिए, इसको शपथ लानी है तेरी भगवान के सामने। अच्छा शपथ ने झूठा क्या किया तुझे तो ऐसा एक पॉइंट है, पनिशमेंट पॉइंट। हाँ हाँ गद्दार आदमी के हाथ पर बांधते थे। अच्छा जो अनाज की एमपी भरते गनी बैग। हाँ हाँ उसमें पैक करता है 800 फीट डीप में, उस आदमी को जिंदा फेंक देता था। जिंदा अपनी जमा फांसी से नहीं ये सजा। हाँ 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 और उस जमाने के एक को यहाँ पे शिवाजी मणि सजा दी, उसका नाम है खंडो की खोपड़े। अफसरखान की जंग में जो अफसरखान का लड़का था फाजल खान, बीजापुर जाने का रोड देखा था लालच में। अच्छा पता चला शिवाजी महाराज को उसने इस जगह पे लाया और शिवाजी महाराज खुद बोले उसको खाई में फेंक देते। लेकिन एक मिनिस्टर अगर उसने प्रतापगढ़ बनाने के लिए बहुत मदद की, उसको सजा भी दो और जीवन भी रखो। सजा उसको दी वो भी दिमाग से, उसका लेफ्ट और राइट हैंड थोड़ा लेफ्ट और राइट हैंड। अच्छा लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड। अच्छा तो लेफ्ट लेग तोड़ने का कारण क्या था, जो भी कोई भी घोड़े सवार या कोई भी आदमी हो लेफ्ट लेग से चढ़ना पड़ेगा घोड़े पर चढ़ने के। हाँ राइट हैंड तलवार धरने की। अच्छा खुद का रक्षण राइट हैंड थोड़ा। अच्छा जिंदा के फायदा नहीं मर के कोई फायदा नहीं। अच्छा सामने बजरंग बली का मंदिर है। हाँ इसका जो फैसला है साउथ में दक्षिण में दक्षिण मुख के नाम बोलते हैं। अच्छा मारुति हमेशा साउथ फेस रहता है, जिसका फेस राइट वाले मुड़ा रहता है ये स्ट्रेट फेस वाला है। अच्छा या किसी के हाथ में गदा या पहाड़ी देखेंगे आशीर्वाद देना मारुति, इसको संकट मोचन मारुति बोलते हैं, संकट निवारण करने वाला। अच्छा मुहूर्त वाले ओरिजिनल मंदिर अपने जमाने के। अच्छा यहाँ तक हम लोग बड़े फोर्ट में खड़े यहाँ से सेकंड को। इस गेट की रचना भी सेम है जैसे मैंने एंट्रेंस देखा, नीचे से देखेंगे तो दोनों वॉल जॉइंट लगती है। अच्छा गेट के नजदीक के सामने की दीवार दिखती है यू टर्न रखा हुआ। अच्छा थोड़ा बाद में हम लोग टॉप पर। ओके बस आपके पूरे फैमिली लोग सब लोग मतलब यहीं पे रहते हैं तो बाहर भी जाता है काम के लिए बस टूरिज्म पे ही पूरा चल जाता है। इसका भी गेट होता था शंकर भगवान का। अच्छा भगवानी माँ का मंदिर शिवाजी महाराज जब होना चाहते थे। अच्छा खोद के समय शिवली मिल गया जमीन से ऊपर आया हुआ। अच्छा ये शंकर भगवान का मंदिर नीचे भगवान। ओके ओके मंदिर के सामने ओपन फाउंडेशन का मीटिंग चलता था शिवाजी महाराज का यहाँ पे। हाँ जैसे बोलते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। अच्छा दीवाने आम रायगढ़ दीवाने खास बताते हैं। अच्छा जो भी सेकेंड बात की थी जगह पर। अच्छा यहाँ पे सजा सुने के लेके उसको पीछे लेके जाने का पनिशमेंट पॉइंट। पनिशमेंट पॉइंट ओके। और ये टॉप व्यू है जितना हम लोग चढ़ के आ गए पूरा एरिया कवर होता है। फर्स्ट वॉच टावर भवानी माँ का मंदिर है, मंदिर के पीछे गोल्ड राउंड है सेकंड नंबर का वॉच टावर है। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पीछे। ओके मंदिर ये कहाँ पे निकलता है? इधर कोने में निकलता है इसका एग्जिट। और ये नीचे रोड जाता है महाड़े के बॉम्बे जो गाड़ी है दिख रही है यहाँ से 28 किलोमीटर जाएंगे तो पोलादपुर सिटी आती है, उस सिटी से लेफ्ट लेंगे तो गोवा पहुंच जाता है 400 किलोमीटर। अच्छा राइट जाएंगे तो महाड़ पेंट पनवेल बॉम्बे 225 किलोमीटर। अच्छा ये पहाड़ी सह्याद्री माउंटेन्स पूरा वेस्टर्न घाट है। अच्छा खड़े एक्चुअली हम लोग दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, अभी हम लोग खड़े सतारा में। अच्छा दीवार के एक हाथ पे तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। अच्छा बॉडी सतारा में हाथ रायगढ़ में कंपनी यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा यहाँ से हाथ बाहर डालेंगे तो हवा का स्पीड देखिए प्रेशर। हाँ
और पनिशमेंट पॉइंट ऊपर है जहाँ से फेंक दे देते आदमी को। अच्छा कोने में इसका एग्जिट है सीक्रेट टनल का, बस यहीं से यहीं पे पगडंडी यूज करते हैं। पगडंडी मतलब वो रस्सी मिट्टी का रास्ता। ओके उस टाइम पे कैसे लोग यूज करते तो मेंटेनेंस था। अच्छा आज पे यूज नहीं करा ऐसा मिलता जो मंदिर में तोप देखी थी ना छोटी छोटी। हाँ तो सोचो लोग खंधे पे लेके पूरी वॉल पे घूम, ये वॉल पे घूमता था फायरिंग के लिए जो विंडो दिए छोटे छोटे। हाँ ये पनिशमेंट पॉइंट है। ओके प्रतापगढ़ सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा जो भी गद्दार आदमी रहता था उसका हाथ पर बांधते थे अनाज की एम्प्टी सैक में पैक करके नीचे फेंक देते थे। 1800 फीट डीप एरिया 1800 फीट की खाई है लेकिन एक पॉइंट इस फोर्ट के अंदर खाली बना के रखा हुआ है, यूज़ कभी किया नहीं क्योंकि इस फोर्ट के अंदर कोई गद्दार निकला नहीं। लेकिन ये सजा अपने देश में अभी होती तो खाई पूरी भर जाती अपने देश में। शिवाजी महाराज का स्टैचू जिस जगह पर बिठा है यहाँ पर उनका पैलेस था पहले रहने का। अच्छा जो डिस्ट्रॉय किया पे ब्रिटिशों ने। अच्छा बाद में इस प्रतापगढ़ फोर्ट में शिवाजी महाराज को यादगार चाहिए तभी इंडिया गवर्नमेंट ने यह स्टैचू बिठाया हुआ। अच्छा पत्थर का फाउंडेशन 20 फुट है, घोड़ी के पैर से तलवार तक 16 फीट है, टोटल 36 फीट का यह स्टैचू है। अच्छा ऊपर का 16 फीट जिसका वेट आता है 4.5 टन 4,500 किलो। अच्छा आरपी कामत रहते थे विले पार्ले में, इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है, लाते समय इसके अलग अलग 17 पार्ट ला के जोड़ दिया हुआ है। अच्छा स्टैचू 5 धातु का ब्रॉन्ज एंड इसके ओपनिंग के लिए इंडिया के फर्स्ट वंश पंडित नेहरू जिसको ओपनिंग किया हुआ। अच्छा स्टैचू गार्डन गवर्नमेंट देखता है बाकी फोर्ट आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके ओके शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 1630 शिवनेरी पर, डेट होगा 1680 रायगढ़ पर, सिर्फ 50 साल जी है। 50 साल में 365 फोर्ट वाले महाराष्ट्र। उनका डेट कैसा नेचुरल डेट है, उस टाइम कंटिन्यू घोड़े पे बैठने पर घुटने में दर्द होता था। अच्छा साइंस भाषा में गैंग्रीन बोलता है। अच्छा जिस राजा का डेट नेचुरल डेट होता है उसके घोड़े के एक पैर ऊपर दिया जाता है, एक सिंबल है। अगर घोड़े का एक पैर ऊपर हो ना तो उसमें बैठने वाला योद्धा नेचुरल डेट जाता है, नेचुरल डेट है। घोड़े के दोनों पैर ऊपर तो वॉर में, फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी का स्टैचू देखते दोनों पैर ऊपर तो वॉर में मर गया। वॉर में कहेंगे दो पैर ऊपर नेचुरल जाएंगे तो एक पैर ऊपर, एक सिंबल है। अच्छा इससे पता चला कि राजा का डेट कैसा हुआ। अच्छा और ये स्टैचू आपको महाबेश का फेमस पॉइंट औरता सीट वहाँ से बाइनोकुलर से दिख जाता है स्टैचू। अच्छा अच्छा लास्ट पॉइंट है Thank you.
చూపి